Hi everyone, this is Abhishek. Welcome back to another video. I hope you're doing good. So in this video, I'm gonna show you how can I prepare for my NEET examination during whole week and how I managed my life in Kota. In this video, I have studied 100 plus hours and I'm editing this video after my exam. So I have missed some clips, so sorry for that. And I hope you will get lots of learning from this video that how to manage your studies or life in Kota. This video takes lots of energy and effort to make, so please do subscribe to the channel. And yeah, enjoy the video. सही गाइस, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई और अभी बज रहे हैं 2. मैंने अभी शार लिया और गोइंग फॉर माय लंच. और अभी जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर ख़त्म, हाइड्रोकार्बन ख़त्म, और फिजिक्स में स्टार्ट हुआ आज मैग्नेटिज्म. और भाई साहब, जो गंदी नींद आई ना जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट हुआ, बहुत तगड़ी वाली नींद आई. बिकॉज कल रात को क्या हुआ था कि मैं 3 बजे जग गया था एक्साइटमेंट में, बिकॉज ये पूरे हफ्ते का जो शूट करना है उसकी एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, थोड़ा स्क्रिप्ट करना पड़ता है. तो मैं जग गया था, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई. अब फिर से क्लास स्टार्ट हुआ, अरे भाई साहब जो ना नींद आई, पूछो मत. आपके साथ भी होता होगा मुझे पता है. अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे. एक फिजिक्स मेरे को लर्निंग जो मैंने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम फर्स्ट लॉ से थोड़ा अपनी लाइफ को, मैं एक दिन सोच रहा था बैठ के, तो सोचता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आप रिलेट कर लो. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाटएवर इट इज़. बट उसमें मैंने ये देखा, जैसे कि उसमें भी यही है सेम चीज़ कि जब तक कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, जब उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पुश देंगे तभी वो मूव करेगा, ठीक है. तो हमारी भी लाइफ कुछ इसी तरह है, ठीक है. हम जो है अपने कम्फर्ट जोन में जैसे फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. तो और हम चाहते भी नहीं है कि कोई वो एक्सटर्नल पुश दे ताकि हम कुछ कर पाएँ. और मेरा मानना ये है कि कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ज़्यादा बेटर है, भले उसमें फेल हो सक्सीड हो फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैं भी आप लोगों को सही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसको थोड़ा सा आप छोड़ें, उसमें एक्सटर्नल पुश दें, उसको मोशन में लेके आएँ, और बाकी जो होगा देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है. और हाँ, और आप भी रिलेट करने की कोशिश किया करो, जैसे साइंस में जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वहाँ से क्या लर्निंग निकाल सकते हैं लाइफ के लिए. और अगर आपके पास होगा तो कमेंट में बताना. एंड गाइस, सिमिलरली जब मैंने डिसाइड किया था कि पूरे एक हफ्ते तक व्लॉगिंग करना है, तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको दिमाग में चलते रहते हैं आपके. बट हाँ, अब मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट किया है तो मैं ज़रूर उसको ख़त्म कर लूँगा. एंड हाँ, आपको ही मैं यही बोलूँगा कि आपको कुछ भी करना है लाइफ में, चाहे आपको गाना सीखना है, चाहे आपको गिटार बजाना है, चाहे आपको पढ़ना है, चाहे आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, सो ओनली जस्ट यू हैव टू गिव ओनली वन पुश. रिजल्ट चाहे जो भी आए, स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हाँ, ये एक लर्निंग थी. आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताना. हाँ, अब चलते हैं खाना खाने, खाना भी ख़त्म हो जाएगा. गाइस, बैक टू द रूम. एंड अभी जो है, अभी जो क्लास उठाया गया है उसका रिवीजन करना है. तो अभी मन नहीं कर रहा है रिवीजन करने का. तो ये दो पेपर हुए थे तो इसका एनालिसिस बाकी है. वैसे जनरली मैं एनालिसिस नहीं करता, बट आज पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आ गया, तो सोच रहे हैं एनालाइज कर लेते हैं. और अभी कितना बज रहा है, 2:10. तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई थी पेपर में. वैसे ये दूसरा वाला पेपर तो सच में बहुत ही खराब किया था. तो हाँ, चलते हैं इसका एनालिसिस करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे शाम में. आई जस्ट कंप्लीटेड द पेपर और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गलतियाँ पता चल गई. और मुझे लगता है कि पेपर एग्ज़ाम होने के बाद, टेस्ट होने के बाद एक बार एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. सही में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि बायो में जो कॉकरोच वाला पार्ट है वो मेरा वीक था, मुझे पता चल गया. तो अभी मैंने जस्ट पूरा वो कॉकरोच वाला था, ये नोट्स से मैंने पूरा रिवाइज किया. और हाँ, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे से. और अब मेरा बहुत तेज सर दुख रहा है, अब बहुत हो गया. मैं जा रहा हूँ बाहर वॉक करने. और जस्ट फेस द लेक्चर एंड अबव हाउ सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं आज के लिए. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे. फिजिक्स खत्म, बॉटनी जूलॉजी खत्म, केमिस्ट्री बाकी है, करने जा रहे हैं. थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे. एवरी वन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सुबह हो गया तो थोड़ा लेट उठने में, तो फटाफट क्लास करने बैठे. एक क्लास ख़त्म हो चुकी है और फिर थोड़ा लग रहा था कुछ कमी लग रहा है. फिर पता याद आ रहा है व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया, भाग के रूम से बाहर आए, व्लॉग स्टार्ट किए. ब्रेकफास्ट भी हो चुका है
गोइंग फॉर अटेंड माई सेकेंड क्लास, आप सभी क्लास अटेंड कर रहे होंगे। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा लेट हो गया, कोई ना सह लेंगे। सो गाइस आई हैव जस्ट रीड इवोल्यूशन एंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ क्योंकि मिथ है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, आर यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो बना था, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी हुई थी और उससे ये जो हमारे सोलर नेबुला है ये फॉर्म हुए थे। और यहाँ पे एक मिथ है कि जब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स किस चीज़ से बना है तो बहुत लोग बोलते हैं गैशियस क्लाउड से ही बना हुआ है। सही बात है, जिसमें जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन और हीलियम यूज हुए हैं, बट ये गलत है। जो हमारा यूनिवर्स है ये यहाँ पे गॉड पार्टिकल था, जो कि आज तक किसी को नहीं पता ये कौन सा पार्टिकल है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आज भी इसकी रिसर्च चल रही है। इसके जब यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी धमाका हुआ, उसके बाद जब सोलर नेबुला बना, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम पाया गया था, ना कि यूनिवर्स के गैशियस क्लाउड में। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे और एक मिथ था, तो सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें जो पार्टिकल्स और गैशियस यूज हुए थे इनको बोला जाता है गॉड पार्टिकल, जो आज भी अंडर रिसर्च है। व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। हे गाइस वेलकम बैक अगेन। अरे लाइट सही आता है यहाँ पे। हाँ तो क्लासेस खत्म, लंच हो गया, डन। अब चलते हैं रूम में और वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज सुबह मैंने साथ बताया नहीं था ना, इस सीरीज़ का ये सेकंड डे है। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो हाँ सुबह में बताना भूल गया था, सॉरी। चलते हैं रूम में, कर भी कह सकते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस से पढ़ाई। Everyone, now it's 5 PM और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ रिवाइज़ कर लिया आज का, जो भी पूरा शेड्यूल का था क्लासेस वाली। बायो ख़त्म, केमिस्ट्री ख़त्म, फिजिक्स का आधा ही हो पाया, अभी थोड़ा मन नहीं कर रहा है। तो सोचा जा रहे हैं वॉक करने बाहर, इवनिंग वॉक के लिए, और फिर वापस आके फिर लगेंगे। एंड जब आप अपने शेड्यूल को पूरा स्टार्टिंग जो मॉर्निंग से लेके फिर रात तक पूरा कंप्लीट करते हो, तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, वो अभी आ रही है। तो हाँ अभी चलते हैं ग्राउंड में, फिर उसके बाद आने के बाद ही फिर इस कंप्लीट करेंगे। गाइस वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, क्योंकि आज मैं इसमें खाना अच्छा नहीं बना था, तो बस चाह रहे हैं उसको रिसीव करना है, तो चलते हैं। गाइस वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड 2 पिज़्ज़ास एंड आई एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कूपन कोड LBH50 फॉर फ्लैट 50% डिस्काउंट। मजाक कर रहा हूँ, कोई जाके यूज़ मत करना, लेकिन कितना मज़ा आता अगर डोमिनोज से स्पॉन्सरशिप मिलता, हर महीने फ्री में पिज़्ज़ा खाने को मिलता। तो गाइस फाइनली डे 2 एंड, और आज अभी शाम के बाद फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया एंड इवोल्यूशन की चैप्टर रीडिंग की, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है वो पूरे तरीके से, तो इंट्रो था बस। और केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आपको ही पता है जब फिजिक्स करने बैठते हैं तो इतना टाइम लगता है, तो फिर हो नहीं पाता। और अब 11 बज गया और हमको बहुत तेज़ अब नींद आ रहा है, तो अब जाते हैं सोने, और आप सभी सोने ही जा रहे होंगे, और जो रात में पढ़ते हैं वो ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ें। और आपसे मिलेंगे आप कल डे नंबर 3 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट। एवरी वन गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द सी दिस सीरीज, और डे 3 है आज, और अभी बज रहा है सुबह का 6 और मैं हूँ वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे। जनरली मैं वॉक नहीं करता, बट आज पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आया, तो थोड़ा सा ग्राउंड में आए हुए हैं और वॉक कर रहे हैं, और अभी वॉक करते हैं फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं पढ़ाई के टाइम पे, क्लास के टाइम पे, चलते हैं। Everyone just finished physics lecture और आज physics में class में start हुआ था magnetism, and मेरा magnetism पहले से ही complete था because मैंने अलग से class 12th नहीं पढ़ रखा था, तो उसके proper notes थे मेरे पास, तो मैंने सर का lecture खोला, 2x लगाया and just finish it, and अब मेरा time बच गया, तो जो classes चलेंगी 2-3 दिन magnetism वाली, उसमें मैं question practice करूँगा या किसी और chapter को revise करूँगा, या 22 को test है उसके लिए पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाले में, जिस जो पिछले साल नीट में से क्वेश्चन आ चुका है और मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है सेमी सर्कुलर आवर का, ठीक है, जिसमें एक छोटा सेमी सर्कुलर है और एक बड़ा है, तो जो छोटा वाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो बड़ा वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। छोटे वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, और बाहर बड़े वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर डायरेक्शन है। अब आप बताओ इन दोनों सेमी सर्कुलर आर्क में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, और जो सही जवाब देगा उसको सिटी मॉल में मेरी तरफ से ट्रीट, ठीक है, कमेंट करो। एवरीवन क्लासेस ख़त्म एंड जस्ट गोइंग टू हैव लंच, एंड डेली व्लॉगिंग करना सच में बहुत ही टफ है, बिकॉज बोल तो दिया था कि हाँ करेंगे, बट अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टफ है बिकॉज बार बार सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो कोई बात नहीं फिर भी करेंगे, चलते हैं लंच करते हैं फिर चलते हैं पढ़ाई करना।
was just finishing the revision of today's lecture and now I'm going for my evening walk. So yeah, चलते हैं और फिर वापस आके फिर पढ़ने बैठते हैं. सो गाइस इट्स 11 और मुझे बहुत ही तेज़ नींद आ रही है. अभी मैंने डिनर करके स्टडीज़ ख़त्म की एंड फिर मैंने देखा यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आया मनीष दुबे सर का दैट कि उन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक के पूरे पेपर को एनालाइज़ किया है एंड उसका एक ग्राफ बनाया है और किस चैप्टर से किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है जो इन 2019 से 2022 में जो आया है पूरा सबसे ज़्यादा वेटेज. ठीक है, तो उसका सर ने पूरा एक एनालिसिस करके एक पूरा वेटेज बनाया. तो मैं उसको नोट ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता. हालांकि मुझे नींद आ रही है बट उसको कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो छूट जाएगा. और बिकॉज ये लास्ट के टाइम पे बहुत काम आते हैं ये जो ओवर वेटेज वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं, तो हाँ उसको नोट करते हैं. नोट करते हैं फिर आपको भी दिखा देते हैं क्या क्या है. तो अगर आपने नोट कर लिया होगा तो सही, अगर नहीं किया होगा तो मैं एक बार दिखा दूंगा, फिर आप वहाँ से नोट कर लेना. ठीक है, जस्ट कम्प्लीटेड इट. एंड अगर आपको भी ये वेटेज वाला पूरा टॉपिक चाहिए तो आप मनीष दुबे सर के चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा. एंड अब हो चुका है बहुत ही ज़्यादा रात और आपसे मिलेंगे कल. गुड नाइट. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज. एंड रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आई तो मैं जल्दी उठ गया और अभी बज रहा है सुबह का 5:30. अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने और फिर आपसे मिलते हैं क्लासेस के साथ. Everyone just finishing lunch and back to the room. And अभी start करते हैं वापस से पढ़ाई. And अभी मुझे याद आया कि जो 22 को मेरा टेस्ट है उसकी तैयारी मैंने भी स्टार्ट ही नहीं की. और तो मैंने अभी पूरा सिलेबस को नोट डाउन किया एंड ये सिलेबस देख के मेरी थोड़ी हालत ख़राब है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. तो अभी मैं जा रहा हूँ रिवाइज़ करने पहले और रिवाइज़ करने के बाद टेस्ट का जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले मैं बायो स्टार्ट कर लूँगा क्योंकि बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और फिर कल फिजिक्स कर लेंगे और फिर परसों केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट होंगे वो तो डिलीट कर पा रहे होंगे बिकॉज ये जो पता नहीं वीडियो बन रहा है, मुझे भी नहीं पता कैसा बन रहा है, बोरिंग या पता नहीं, वो तो एडिट के बाद पता चलेगा. बट जो मेडिकल के हैं वो तो समझ सकते हैं क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो आप सब भी यही करते हैं. और जो नॉन मेडिकल या बाहर के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारी लाइफ थोड़ी ऐसी है जैसी आपको दिख रही है एंड होनी भी चाहिए बिकॉज इस पाथ को हमने खुद सेलेक्ट किया है अपने से. तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जब सुबह से लेकर रात तक आप अपने पूरे टारगेट्स को कंप्लीट करते हो. कभी करके देखा हूँ जो आपका टारगेट हो तो सुकून वाली नींद भी आती है. तो इस वजह से मुझे प्रोफेशन अच्छा भी लगता है और काम करने में मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे. तो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं वापस स्टडी करने. वैस करेंटली आई एम गोइंग टू अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस जिसका टाइम है 7 से 1:15 और मैं भी श्योर हूँ कि आप सब भी इस समय अपने क्लासेस में होंगे. जो ऑफलाइन होंगे ऑफलाइन गए होंगे, जो ऑनलाइन करते हैं वो ऑनलाइन कर रहे होंगे. ठीक है, मिलते हैं दोपहर में. आई स्लेप्ट आफ्टर माई स्टडी एंड टुडे इज महाशिवरात्रि एंड वी ऑल फ्रेंड्स हैव प्लान टू गो टू द टेम्पल टुडे. देखते हैं कौन बन जाएगा और कौन बन जाएगा आज. गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू डे नंबर 6 और ये सीरीज का आखिरी दिन है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 हो रहा है. और कल रात में जितने लोग कमिट किए थे सुबह मंदिर जाने के लिए उसमें से आधे लोग ढेर हो चुके हैं तो बचे बस हम कुछ आधे लोग. तो मैं रेडी हो चुका हूँ, बाहर सब लोग आ गए हैं, वो सब भी रेडी हैं, चलते हैं. और ही इज द पीपल, एक और पर्सन उठाते हुए जो कि बहुत सीरियस है इस हॉस्टल में. अच्छा, उठ गए, चलो 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 भाई चलो. तो गाइस अब बज गया 5 और निकलना था सुबह के 4:30 बजे, तो 5 बज गया. सब लोग खड़े हैं, अब निकलते हैं यहाँ से. ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि जाना किस में है. करो भाई बुक करो भाई, जल्दी करो, दोपहर ना हो जाए बस जाते जाते. आज लड़का अभी पूछ रहा है ओला कैसे बुलाते हैं. बहुत गरीब हूँ भाई को अभी ओला नहीं. दूसरी चीज, वो प्लान हुआ अनसक्सेसफुल, ऑटो वाला चला गया, सोनी पार्किंग करने में फेल हो गया. पहली बार सोनी बार्गिंग करने जा रहा है ऑटो वाले के साथ. कर भाई बार्गिंग कर, हमारा बार्गिन एक्सपर्ट. ये देखो भाई,
छोटे से ऑटो में कितने सारे लोग हैं? 3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, इधर, इधर। एक ऑटो में 10 बंदे बैठ जाए हैं। देख लो भाई क्या स्ट्रेटजी है, आप सब यूज कर सकते हैं जब आपके पास पैसा ना हो। भाई सुबह सुबह ही अभी यहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, एक ऑटो में ही आए हैं, कैसे बैठे वो स्ट्रेटजी है जो हम, आप लोग कमेंट में बताइए या फिर मैं रिप्लाई करूंगा। और ये इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। गाइस हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और इस मंदिर का नाम है शिवपुरी धाम और यहाँ पे टोटल 108 शिवलिंग है और वो अंदर है, अभी मैं चलता हूँ अंदर आपको पूरा सीन दिखाते हैं। वहाँ से 108 शिवलिंग पूरे हैं और फिर बीच में एक बड़ा सा शिवलिंग है, ठीक है। अभी चलते हैं पूजा वगैरह करते हैं फिर आपको सारा सीन दिखाते हैं। तो गाइस ये है बड़े वाले शिवलिंग जी जिनकी अभी हमने पूजा की और ये है नंदी जी। हाँ दर्शन हुआ कम्प्लीट, अब हम जा रहे हैं दूसरे साइड जहाँ पे पूरे 108 शिवलिंग है, तो वहाँ पे चलते हैं। और 252 क्या मजा कर रहा है भाई, 252 है। तो गाइस 252 है अभी पता चला, हम वैसे पहली बार हम खुद ही आए हैं। तो सो गाइस यहाँ पे अभी हमें पता चला यहाँ के लोगों के साथ, अभी तक थोड़ा मिथ था मुझे, नहीं पता था 552 शिवलिंग है यहाँ पे टोटल, जिसपे अभी हम लोगों ने जल चढ़ाया उससे। और ये जिसका भी है थैंक यू, हमें नहीं पता किसका था, वहाँ रखा हुआ था हम लोग लेके आए। और कितने बार, 4-5 बार कितना पानी दिए थे, कितने बार पानी दिए थे दादा? 4-5 हम लोग कम से कम 5-6 बार पानी जा के लिए थे और थोड़ा थोड़ा करके 552 शिवलिंग का पूरा जल चढ़ा दिए। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कोई बड़ा बर्तन या बाल्टी लेके आ सकते हैं जिसमें ज़्यादा पानी कैरी हो सके। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। और एक चीज और, आप लोग यहाँ आइएगा तो बाल्टी कोई बहुत बड़ा बर्तन लेके आइएगा क्योंकि हम लोग दूसरे के लोटे में 4 बार पूरा पानी कम्प्लीट कर पाए हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी आइएगा, मतलब देख लीजिए आपको भी यही सेम चीज झेलना पड़ेगा। ये 5:30 का माहौल है, 6:30 यहाँ पर ये देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोटा राजस्थान में जहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे भी एक अलग स्पिरिचुअलिटी, एक अलग डिवोशन आज हो गया। आपको मंदिर भी दिखा दिया, महाकाल के भक्त है, जहाँ जहाँ महाकाल मिलेंगे वहाँ वहाँ नमन करेंगे। और इस मंदिर का नाम है शिवपुरी, जब भी आपको आना होगा मैं लोकेशन पिन कर दूंगा, ठीक है आप आ सकते हैं। अब चलते हैं बाहर, फिर आपसे बाहर आ सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं वापस एंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आप आज दबा के पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्री का चाय मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलते जाना कैसे है? ओला अगर चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मेन रोड पे ही पर है। अभी टाइम कितना हो रहा है जल्दी करो। देखो भाई इंडिया का टैलेंट, मेरे को मिला के इतने सारे लोग सिर्फ एक ऑटो में आए हैं। और ये कोइंसिडेंस देखिए, जिस ऑटो से हम लोग गए थे वही भैया हमको वापस फिर मिले थे। भैया कैमरे में आए बोल दी कितना देना भाई? 15 तो नहीं भाई। तो गाइस फाइनली वी आर बैक टू द हॉस्टल एंड अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं स्टडीज के साथ। सो गाइस बैक टू द रूम एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज है महाशिवरात्रि। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आज सुबह सुबह बहुत अच्छी पॉजिटिव वाली वाइब, पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है। एंड जब आपको भी लगे कभी लाइफ में कि सब सही नहीं चल रहा है और एक नई ऊर्जा चाहिए, तो आप भी जहाँ पे भी हो अपने आसपास के मंदिर में जाके थोड़ा सा मेडिटेशन करो, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ अब बिना किसी देरी के अपने स्टडीज को करते हैं स्टार्ट। और आज मैं अपना जितना पूरा टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं दोपहर या शाम तक पूरा बायो खत्म करेंगे फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है तो आज कोई क्लासेस नहीं है, तो आज सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ेंगे जो कि 22 तारीख का है। स्टार्ट
सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर माय टेस्ट। और अगर इस वीडियो से आप थोड़ा भी मोटिवेट हो, आपने थोड़ा भी कोई चीज़ सीखी, आपको अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, बिकॉज उससे हम मोटिवेट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।